हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की एक न्यू अपकमिंग मूवीज के बारे में और साथ ही साथ बॉलीवुड में शाहरुख खान की करियर के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शाहरुख खान को बॉलीवुड की बादशाह माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होना जो उनकी करियर को लेकर सवाल पैदा करती है। और अगर पिछले कुछ सालों में उनकी फ्लॉप मूवीज के बारे में बात किया जाए तो नंबर 1 फैन, नंबर 2 रॉयस, नंबर 3 जब हैरी मेट सेजल और लास्ट जो उनकी मूवी आई थी जीरो, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था। तो 2018 में जीरो रिलीज हुई थी और अब 2020 भी खत्म होने वाली है और इन 2 सालों में वो किसी भी मूवी में साइन नहीं की है। लेकिन अब खबर आने लगा है कि पठान नाम से एक मूवी में शाहरुख खान कमबैक करने वाली है, लेकिन इस मूवी में शाहरुख खान के अलावा जॉन इब्राहिम भी नजर आने वाले है। तो देखना यह है कि हीरो की मेन कैरेक्टर इस मूवी में कौन प्ले करता है। और इससे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी कीमत पर यह मूवी हिट होना ही चाहिए। अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाते हैं तो बॉलीवुड में उनके करियर को लेकर एक बहुत बड़ी सवाल उठेगा। और इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। तो अगर दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की ऑपोजिट साइड में नजर आती है तो शाहरुख खान के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि पिछले कुछ मूवी में जैसे ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, इन सभी मूवी में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और मूवी भी सुपर डुपर हिट रही है। तो इस पठान मूवी की डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूस करने वाली है जसराज फिल्म। और फाइनली नवंबर से अंधेरी के स्टूडियो में इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।